चलिए, अब आज आपका सबसे क्रूशियल लेक्चर है। आज का लेक्चर टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड है, राइट? तो जो पिछले 3-4 लेक्चर में आपने पढ़ा है, आज करना है उसे अप्लाई, और आज का प्रैक्टिकल आज ही कर लीजिएगा याद से, ठीक है? स्टार्ट करें। चलिए, तो सब कुछ स्लाइड्स में है, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे चीजें समझा दूं। अब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू डेवलप एन हाइबरनेट एप्लीकेशन, आर फर्स्ट हाइबरनेट एप्लीकेशन, रेदर आई शुड से। थ्योरी आपने सब पढ़ ली, ठीक। नाउ द टाइम इज टू कन्वर्ट दैट थ्योरी इनटू इंप्लीमेंटेशन पार्ट, ठीक है? अब आप अगर हाइबरनेट एप्लीकेशन बनाएंगे तो आपको अपने एक सिस्टम में कुछ सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, कुछ सेटिंग्स की जरूरत पड़ेगी, कुछ एक्स्ट्रा काम आपको करने पड़ेंगे। टेक्निकली स्पीकिंग, अगर आप हाइबरनेट एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो देयर आर सम स्टेप्स जो आपको एक बार करने हैं, सम स्टेप्स जो आपको बार बार करने हैं। शैल वी स्टार्ट? ठीक। सबसे पहला काम आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी हाइबरनेट की जार फाइल्स, स्टेप नंबर वन। कितनी बार डाउनलोड करनी पड़ेगी? एक बार। स्टेप नंबर टू, इस डाउनलोडेड फाइल को आपको अनजिप करना पड़ेगा और एक्सट्रैक्ट करके किसी लोकेशन पे रखना पड़ेगा। आप जो डाउनलोड करेंगे वो जिप फाइल होगी, जब तक उसे आप अनजिप नहीं करेंगे तब तक आप उसे यूज नहीं कर पाएंगे, राइट? नंबर थ्री, आपको अपने डेटाबेस में डीट, ओरेकल और MySQL, इनमें जाकर क्रिएट करना पड़ेगा एक नया यूजर, ठीक है? अगर आपको नहीं आता है तो आप सीखिएगा आज। आई विल शो यू हाउ डू वी क्रिएट यूजर्स इन डेटाबेसेस। तो आपको अपना एक नया यूजर क्रिएट करना पड़ेगा, उस नए यूजर के अंदर आपको सेटअप करना पड़ेगा अपना डेटाबेस और टेबल। MySQL में काम करते हैं तो हम बोलते हैं हम डेटाबेस सेटअप कर रहे हैं, विद इन डेटाबेस हम टेबल्स डालते हैं। यहां पर हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग टेबल सेट करेंगे, क्योंकि यहां टेबल यूजर में बनती है, यहां मतलब ओरेकल में। क्लियर? चारों समझ में आ रहे हैं स्टेप्स, ठीक है? स्टेप नंबर फाइव, नेक्स्ट स्टेप जो आपको लेना है, डेटाबेस टेबल सेट करने के बाद कुछ डमी डेटा टेबल के अंदर इंसर्ट कर दीजिए, ठीक है? क्यों इंसर्ट कर रहे हैं? क्योंकि हम जो पहली एप्लीकेशन बनाएंगे वो टेबल से डेटा फेच करेगी, और डेटा फेच करने के लिए टेबल में डेटा होना भी तो चाहिए, राइट? वो डेटा आपको फेच करना पड़ेगा, और बगैर भूले जिन्होंने डेटाबेस पढ़ा है उसे कमिट करना पड़ेगा। कमिट नहीं करेंगे तो जावा को नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। इसलिए ओरेकल में, MySQL में जब भी डेटा ऐड करें आप, याद से डेटा ऐड करने के बाद उसे कमिट कर दें, ताकि वो आउटसाइड द डेटाबेस जावा, पाइथन, इन एप्लीकेशंस को अवेलेबल हो पाए। वरना जावा को, हाइबरनेट को टेबल तो दिखेगी, बट हाइबरनेट को ऐसा लगेगा टेबल ब्लैंक है, टेबल में कोई डेटा ही नहीं है। गेटिंग द पॉइंट, राइट? पॉइंट नंबर सिक्स, टेबल में डेटा इंसर्ट करने के बाद अब आप अपना आईडी डाउनलोड करेंगे। आई होप आपने आईडी को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया होगा, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको एक एक बात बता पाऊं। डाउनलोड एंड इंस्टॉल दी आईडी, ठीक है? इन आर केस इट विल बी एक्लिप्स, बाकी हाइबरनेट का कोई प्रेफरेबल आईडी नहीं है, आप जो चाहे वो यूज कर सकते हैं। आप यूज कर सकते हैं नेटबीन्स, आप यूज कर सकते हैं इंटेलिजे आइडिया, या अगर आप कंपनी लेवल की बात करें तो एक और आईडी बहुत पॉपुलर है कंपनीज में इन सब के अलावा, वो कौन है? वो है STS। ये क्या होता है? ये होता है स्प्रिंग टूल सूट, जो स्प्रिंग के लिए खास तौर पे आईडी बनाया गया है, बट अभी आपको उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि आप हाइबरनेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप स्प्रिंग कर रहे होते तो हम STS यूज करते, बट अभी के लिए विल बी यूजिंग एक्लिप्स। बाकी सारे आईडीज पे काम करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम रहता है, ठीक है? तो एक्लिप्स आपको डाउनलोड करना है। एक्लिप्स कौन सा? एक्लिप्स फॉर जावा ई, एक्लिप्स फॉर जावा SE, एक्लिप्स फॉर जावा SE,
ये वाला Eclipse आपके सिस्टम पे अवेलेबल होना चाहिए। इसके बाद अपने आईडी में आपको क्रिएट करनी पड़ेगी वर्कस्पेस, ठीक है। अगर आप जानते हो तो Eclipse में जब आप काम करते हैं तो आपको एक फोल्डर बनाना पड़ता है, Eclipse की भाषा में उस फोल्डर को बोलते हैं हम लोग वर्कस्पेस। वर्कस्पेस में क्या होता है, वर्कस्पेस में आपके सारे प्रोग्राम्स या प्रोजेक्ट्स रहते हैं, तो Eclipse कहता है कि आपको वहां पे वर्कस्पेस रखनी चाहिए, राइट। रजत अभी दिक्कत नहीं जाएगी, आगे प्रॉब्लम जाएगी, तो बेटर है कि आप यूज कर लें जावा एसी वाला, राइट। ठीक, जब हम मेवन वगैरह यूज करेंगे, जब उसको कॉन्फिगर करेंगे तो मैं जो बताऊंगा वो आपके में नहीं चलेगा, वो डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए बेटर है कि आप जावा एसी वाला ही डाउनलोड कर लें, ठीक। फिर आप वर्कस्पेस क्रिएट करेंगे, वर्कस्पेस क्रिएट करने के बाद आप क्रिएट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट। Eclipse के अंदर आप एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, नया प्रोजेक्ट बनाने के बाद आप एक फोल्डर क्रिएट करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, क्रिएट अ फोल्डर कॉल्ड लिब, ठीक है। और इस लिब के अंदर कॉपी करेंगे आप ऑल द हाइबरनेट जार फाइल्स, और बताइए कौन सी जार लगेगी, याद करिए जल्दी बोलिए, वेरी गुड। एंड डेटाबेस ड्राइवर जार फाइल, जो भी आपका डेटाबेस ड्राइवर है, जैसे मैं ओरेकल यूज कर रहा हूं, एग्जैक्टली बोलूं तो ओरेकल 10G, तो मेरी जार फाइल OJDBC 14 है। आप OJDBC 6 भी यूज कर सकते हैं, 14 भी यूज कर सकते हैं, क्लासेस 12.jar भी यूज कर सकते हैं, मैं यूज करूंगा OJDBC 14। मुझे कैसे पता कि मुझे 14 यूज करनी है, तो जब मैं ओरेकल अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करूंगा तो मुझे ओरेकल में एक JDBC नाम का फोल्डर मिलता है, देखा है, ओरेकल के खुद के अंदर JDBC नाम का फोल्डर होता है, उसमें लिब नाम का फोल्डर होता है, लिब नाम के फोल्डर में जार फाइल होती है। तो मैंने 10G डाउनलोड करा हुआ है, मेरे 10G के अंदर OJDBC 14 है, मेरे पास 11G भी है, 11G के अंदर OJDBC 6 होती है। आपके पास जैसा डेटाबेस हो वैसा जार आप ले सकते हैं। हाँ बिल, Eclipse के दो डिफरेंट IDs मतलब दो डिफरेंट वर्जन, बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। मेरे पास ये देखो आप ध्यान से SE और E दोनों है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चलेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब आइए 10th स्टेप, ध्यान दीजिएगा, लिब में जार फाइल्स ऐड करने के बाद आपको ये जो लिब फोल्डर है, ये लाइब्रेरी फाइल्स अपने बिल्ड पाथ में ऐड करनी पड़ेंगी, अपने बिल्ड पाथ में ऐड करनी पड़ेंगी। ये सब मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, अभी बस चेक पॉइंट्स हैं जिन्हें हम चेक करते जाएंगे जैसे जैसे हम इन्हें कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। इन फाइल्स को आप बिल्ड पाथ में ऐड करेंगे, क्योंकि याद करिएगा अगर आप बिना आईडी के काम करते हैं तो जार फाइल्स कहां सेट होती हैं, अगर बिना आईडी के काम करते हैं तो जार फाइल्स क्लास पाथ में सेट होती हैं, और अगर आप आईडीई यूज करके काम करते हैं तो जार फाइल्स सेट करी जाती हैं बिल्ड पाथ में। तो आपको ये सारी फाइल्स बिल्ड पाथ में ऐड करनी पड़ेंगी। देन नेक्स्ट स्टेप होगा, आप क्रिएट करें अपना डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, प्रॉपर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, और अपने इस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर आप एक पैकेज बनाएंगे जिसमें आप अपनी ये चारों फाइलें रखेंगे। कौन सी चारों फाइलें, कौन सी चारों फाइलें, याद कीजिए, दो जावा और दो XML फाइल, राइट। क्रिएट मैपिंग, सबसे पहले पोजो बनाएंगे अपन, क्रिएट पोजो, पोजो मतलब याद है किसको बोलते हैं, एंटिटी क्लास, एंटिटी क्लास का तीसरा नाम परसिस्टेंस क्लास, ये क्रिएट करेंगे आप। इसके अलावा मैपिंग फाइल क्रिएट करेंगे आप, इसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करेंगे आप, और इसके अलावा वो फाइल जहां से प्रोग्राम्स रन होंगे जिसको मैं बोल रहा हूं मेन क्लास, इसको आज से हम मेन क्लास बोलेंगे। वैसे तो मैंने आपको कोर जावा में इसको ड्राइवर क्लास बोलने को कहा था, लेकिन ड्राइवर से आप कंफ्यूज ना हो जाएं, कहीं आप ये ना सोचें ये डेटाबेस ड्राइवर क्लास है, इसलिए उसी ड्राइवर क्लास को अब से हम बोलेंगे मेन क्लास। तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनेगा, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर इन चारों फाइलों को रखा जाएगा। इनको रखने के बाद एज यू कैन एक्सपेक्ट फाइनली आप एप्लीकेशन की कोडिंग करेंगे, राइट, कोड दीज फाइल्स प्रॉपरली, ठीक, इनको कोड कैसे करना है वो भी देखिएगा, एंड लास्ट स्टेप विल बी रन दी एप्लीकेशन।
बिल्कुल जे डबल ई में भी हाइबरनेट यूज कर सकते हैं। आप सबको आता है जे डबल ई, तो मैं बता दूंगा जे डबल ई में हाइबरनेट कैसे यूज होगा। ठीक है, बढ़िया। सर्वलेट्स के अंदर यूज करेंगे अपन डेटाबेस से बात करने के लिए, बता दूंगा। पहले अपन कोर पे सीख लें, फिर जे डबल ई पे बात करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसमें से क्या क्या वन टाइम है बताइए। यहां से लेकर यहां तक वन टाइम एक्टिविटी है, राइट? बाकी याद रखिएगा रिपीटिंग एक्टिविटीज। ये एक्टिविटीज रिपीटिंग है, ये एक्टिविटीज वन टाइम। गॉट द पॉइंट? हाइबरनेट का यूज वेब में होता है तो जे डबल ई पे क्यों नहीं? किसने कहा जे डबल ई में नहीं होता? मैं समझा नहीं कुंदन, क्या कहना चाह रहे हो आप? अभी यूज करना है मतलब? मैं नहीं समझा क्या बोल रहे हो। मैं अनम्यूट करूं कुंदन? मैं समझ नहीं पा रहा हूं आपका स्टेटमेंट। बोलिए क्या बोल रहे हैं। हेलो, बोलिए। हाँ सर, बोल रहे हैं कि हाइबरनेट का यूज वेब एप्लीकेशन में होता है। होता तो, नहीं है, करा जा सकता है, कंपलसरी नहीं है कि यूज करें ही करें। हम लोग अभी सर जेडब्ल्यू आईडी क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? जेडब्ल्यू आईडी यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम कोर जावा की एप्लीकेशन बना रहे हैं। ओके सर, जेडब्ल्यू थोड़े कोड लिख रहे हैं अपन, अपन तो जावा एसी का कोड लिख रहे हैं ना, सर्वलेट थोड़ी बना रहे हैं अपन कोई। यस सर। चलिए बढ़े आगे। अब थ्योरेटिकली सब क्लियर हो गए, इंप्लीमेंटेशन पे आ जाए। नाइन्थ नंबर पॉइंट ऑल्सो वन टाइम। नहीं, हर प्रोजेक्ट के अंदर लिप बनेगा। क्यों वन टाइम पुश? हर प्रोजेक्ट में लिप फोल्डर बनेगा, हर प्रोजेक्ट के अंदर आप ये जार फाइल्स कॉपी करेंगे ना। जितनी बार प्रोजेक्ट बनाएंगे उतनी बार जार कॉपी करेंगे। एक्लिप्स का कोई ग्लोबल जार एरिया थोड़ी होता है, राइट? तो ये सारे स्टेप्स रिपीट होंगे 8 से लेकर 14 तक, 1 से लेकर 7 तक के स्टेप्स वन टाइम है। अब आराम से वन बाय वन करते हैं। आज देखते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आज देखते हैं कितने पूरे हो पाते हैं आपके स्टेप्स। ले लिया स्क्रीनशॉट? इन सब के पूरे नोट स्लाइड्स में अवेलेबल है, वो आपसे शेयर कर लूंगा मैं, प्रैक्टिकली आप यहां पर देख लें। शैल आई स्टार्ट? सबसे पहला काम, हाइबरनेट की जार कौन से यूआरएल पे अपन को मिलेगी? तो जैसा मैंने आपसे कहा था, हाइबरनेट आपको अपनी जार फाइल्स जिप फॉर्म में अवेलेबल कराएगा। तो सबसे पहले आपको यूआरएल बता दूं जहां पर आपको हाइबरनेट की जार फाइल्स डाउनलोड करनी है। दिस इज दैट यूआरएल। अब थोड़ी कहानी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? हाइबरनेट का जो ऑफिशियल यूआरएल है वो ये है, hibernate.org/orm/releases। यहां से आप जाकर हाइबरनेट की जार फाइल्स डाउनलोड करेंगे। हम कौन सी डाउनलोड करेंगे? 5.4.21, ये करंट लेटेस्ट है, 5.4.21। अब ध्यान दीजिएगा, कोई भी फ्रेमवर्क, जनरल बात बता रहा हूं, कोई भी फ्रेमवर्क एक इंस्टॉलेबल सॉफ्टवेयर नहीं होता है, आप उसे इंस्टॉल नहीं करते हैं। जावा की बात कर रहा हूं, राइट? नॉन जावा की बात नहीं कर रहा हूं, जैंगो से कंपेयर मत कीजिएगा, जावा की बात कर रहा हूं। जावा के जितने भी फ्रेमवर्क्स होते हैं वो इंस्टॉलेबल नहीं होते हैं, वो सिर्फ अपने साथ कुछ जार फाइल्स लाते हैं और आपका काम बस इतना होता है कि इन जार फाइल्स को अपने क्लास पाथ या बिल्ड पाथ में आप कॉपी करें और फिर आप इन जार फाइल्स को अपने कोड में यूज करें। इनमें हमेशा याद रखिएगा, एक जार ऐसी होती है जो मेन जार होती है और बाकी सब इस जार की डिपेंडेंट जार होती है। जैसे अगर हाइबरनेट की आप बात करें तो हाइबरनेट में कोर के नाम से आपको एक जार मिलेगी जो आपकी मेन जार फाइल होगी, जिसे आप आपके कोड के अंदर यूज करेंगे। लेकिन सेट आपको सबको करना पड़ेगा क्योंकि खुद ये कोर जार इन जार फाइलों को यूज करेगी जो आप भले ही अपने कोड में यूज ना करें, बट ये जार फाइल जरूर यूज करेगी। तो अगर आपसे कोई बोलता है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जार फाइल ऑफ हाइबरनेट, तो हमेशा नाम याद रखिएगा कोर। कोर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जार, और ये खाली हाइबरनेट के लिए नहीं है, ये स्प्रिंग के लिए भी है, सबके लिए है। हाइबरनेट जितने भी जावा बेस्ड फ्रेमवर्क्स हैं सबका एक ही प्रिंसिपल है कि इनके पास एक मेन जार फाइल होती है
वो मेन जार फाइल को आप अपने क्लास पाथ में सेट करते हैं, वो जार फाइल बाकियों को यूज करती है तो बाकियों को भी आप सेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं 5.4.21 का डाउनलोड। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है इसलिए मैं पूरा प्रोसेस नहीं दिखा रहा हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं डाउनलोड का वेट नहीं करूंगा, आपको बस लिंक दिखा दे रहा हूं, बाकी आप उस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ये है आपका डाउनलोडिंग का पेज। ठीक है, ऊपर अगर आप नोटिस करें तो आपको लेटेस्ट टेबल का ऑप्शन दिख रहा है, दिख रहा है आपको टॉप राइट साइड पे, राइट, इस पे क्लिक करिए। इस पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक विंडो आएगी, इस विंडो में स्क्रॉल डाउन करके आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है, कौन सा 5.4.21। क्या चूज करना है इसमें से आपको, इसमें से आपको चूज करना है डाउनलोड। ये मत चूज कर लीजिएगा अभी मेवन, अभी मेवन नहीं करा अपन ने अप्लाई, तो आप इस डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे डाउनलोड क्लिक करेंगे 5.4.21, राइट, ये स्टेबल रिलीज है ना, इसके बग फिक्सेस हो गए हैं, ओके, तो स्टेबल रिलीज इसको लेना है आपको। ठीक है, इस पे डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, जैसे ही डाउनलोड क्लिक करेंगे इसका डाउनलोडिंग आपके सिस्टम पे स्टार्ट हो जाएगा। कितने एमबी की फाइल है याद है, 65 एमबी के आसपास की फाइल है, तो मैं इसे कैंसिल कर दूं, समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, इसका डाउनलोड में फिलहाल रोक दे रहा हूं, जब भी आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगी तो ये आपको मिलेगी आपके डाउनलोड सेक्शंस में, वहां से इसकी जार फाइल आपको पिक करनी है। कुछ ऐसी आपको इसकी जार फाइल दिखेगी, चेक करिए, दिख रहा है आपको, ये इसकी जार फाइल है हाइबरनेट रिलीज 5.4.21। इस जार फाइल को यानी जिप फाइल को आप कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके इसे किसी भी ड्राइव में, मैंने डी ड्राइव में करा हुआ है, एक फोल्डर में ले जाकर पेस्ट कर दीजिए और वहां ले जाकर अनजिप कर दीजिए। इसको कॉपी करना है, कॉपी करके इसे एक फोल्डर में ले जाकर पेस्ट कर देना है, मैंने इसे पेस्ट करा हुआ है हाइबरनेट फाइल्स नाम के फोल्डर में, और यहां इसको अनजिप कर देना है आपको। जैसे ही अनजिप करेंगे आपको ये फोल्डर मिल जाएगा, इस फोल्डर के अंदर जाइए, ठीक, तो आपको इसी नाम का एक और सब फोल्डर मिलेगा, इसके अंदर जाइए तो आपको लिब मिलेगी, लिब के अंदर जाएंगे तो रिक्वायर्ड मिलेगा, और रिक्वायर्ड में ये सारी जार फाइल्स हैं। आपको सारी की सारी जार फाइल्स की जरूरत प्रोजेक्ट में पड़ेगी, भले ही डायरेक्टली आप किससे बात करेंगे, जल्दी बताइए, डायरेक्टली आप किससे बात करेंगे, डायरेक्टली आप हमेशा इससे बात करेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फाइल, लेकिन ये खुद अकेले कुछ नहीं करेगी, इसका सपोर्ट ये बाकी जार फाइल्स करेंगी, तो सेट आपको सबको करना पड़ेगा। आया समझ, राइट, क्या कहां तक हो गया? अगर वापस चेक पॉइंट्स पे चलें तो हमने शायद पहले दो स्टेप्स कर लिए हैं, डाउनलोडिंग हो गई, अनजिपिंग हो गई, क्लियर।